फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स। तो देख सकते हैं, ये पार्ट वन में आपने देखा होगा कि भाव्या और बच्चा की गुदराई सगाई हुई और परीक्षा हुई, तो उसमें भी आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। और यहाँ पे अभी पार्ट टू में आपको देखने को मिलने वाला है कि इन लोग की रिंग सेरेमनी, और भाव्या ने डांस करते हुए एंट्री की थी, बहुत ही प्यारा था। और भाव्या ने ड्रेस चेंज कर ली थी, तो यहाँ देखिए आप, गाउन उसने डाला हुआ है और गाउन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, और दोनों एक साथ पेयर में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो प्लान तो ये था कि दोनों साथ में ही डांस करते हुए एंट्री करेंगे, लेकिन बच्चा थोड़ा शर्मा गए थे तो बच्चा ने डांस नहीं किया, लेकिन भाव्या ने डांस किया और बहुत ही अच्छा डांस किया। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, भाव्या आ चुकी है और बहुत ही अच्छा डांस करती है, वो बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। सॉन्ग को म्यूट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने एक बार अपलोड किया पूरा वीडियो पूरा सॉन्ग के साथ ही, जैसा उसने डांस किया था जिस सॉन्ग पे, क्योंकि कई सारे सॉन्ग्स पे उसने डांस किया था, लेकिन जो है वो कॉपीराइट क्लेम आ गया और मुझे अभी YT म्यूज़िक से म्यूज़िक लेना नहीं आता है। तो ये तो आप लोगों को पता है कि अभी मैं नई क्रिएटर हूँ, तो सीख जाएंगे तो वो भी करेंगे, इसलिए मैंने म्यूज़िक म्यूट किया और फिर से मैं बोली आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि पार्ट वन है, पार्ट टू आना अभी बाकी है, तो इसलिए मैंने म्यूट किया म्यूज़िक को। और म्यूज़िक थोड़ा मतलब डाल दिया है जो हम लोगों को मिलता है VNF से, तो वही डाल दिया है। और बाकी तो डांस तो उसने बहुत ही अच्छा किया है, और बच्चा ने भी साथ दिया, लेकिन बच्चा थोड़ा कम कर रहे थे, मतलब वो थोड़ा जैसे शांत हो गए थे भाव्या का डांस देख के, क्योंकि भाव्या बहुत फास्ट कर रही थी, तो इसलिए मतलब बच्चा थोड़ा करते हैं, और उन्होंने बीच बीच में किया तो बहुत ही अच्छा उससे लग रहा था, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बस शब्द नहीं मिल रहे हैं कहने के लिए। और भाव्या का डांस तो आप लोग देख ही रहे कि बहुत ही अच्छा कर रही है, और गाना आप लोग समझ जाएगा कि जो स्टेप कर रही है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल तो सबको पता रहता है ये स्टेप पे इस गाने का है। और ये लड़की की बुआ हैं जो बच्चा को लेके आई स्टेज पे कि दोनों लोग साथ में डांस करें, लेकिन बच्चा खड़े हो गए थे और सोच रहे थे कि अभी कहाँ से शुरुआत करूँ मैं, इसलिए, लेकिन बाद में उन्होंने किया और बहुत ही अच्छा किया। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोग को उसमें समझ में आएगा कि बच्चा ने भी डांस किया था और बहुत ही अच्छा डांस किया था बच्चा ने। Thank you.
फाइनली छोटी बहू ने बहुत ही अच्छा डांस किया और बहुत ही अच्छा लगा, इन्जॉय किया सब लोगों ने। और मम्मी से पूछा था कि मैं मुझे एंट्री करते समय डांस करना है, प्लान तो था कि बच्चा और भावे दोनों करेंगे, लेकिन बच्चा नहीं किए, थोड़ा सा ही किया, लेकिन भावे ने बहुत ही अच्छा डांस किया है। और इंतज़ार की खड़ी खत्म हुई तो देखे ये लोग पहुँच गए हैं स्टेज पे रिंग सेरेमनी के लिए। तो ये ड्रेस चेंज कर ली थी भाविया ने, और अभी ये हो रहा है कि रिंग कौन पहनाएगा, पहले लड़की पहनाएगी या लड़का पहनाएगा, बस हो रहा है डिसाइड। तो डिसाइड हो चुका है, तो भाविया पहले रिंग पहना रही है बच्चा को। और सब बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छा भी लग रहा था फंक्शन, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और रिंग भी देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रही है बच्चा के हाथ में। सगाई का मतलब होता है आधी शादी, तो यहाँ आधी शादी हो गई है, बाकी पूरी शादी में हम लोग मिलेंगे फिर से एक बार, और फिर से यही सब धूम मचेगी, धमाल होगा, और बहुत ही इंजॉय आप लोग शादी में भी करने वाले हैं। तो इधर जो है बहुत ही अच्छा मतलब अरेंजमेंट था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था फंक्शन में, और सबने फुल्ली इंजॉय किया। भाविया का डांस भी देख के आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भाविया का डांस कैसा था। और दोनों लोग अपनी रिंग देख फोटोशूट हो रहा था, मुझे ऐसे जैसे बता रहे थे फोटोग्राफर, वो वैसा वैसा हो रहा था। और आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आपको ये भी बता दूँ इस ब्लॉग में कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैंने सोचा इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मैं थैंक यू भी बोल दूँ कि, और आगे भी आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। और मेरे भाई भाभी को भी जो भी बड़ी बहनें माताएं वो आशीर्वाद दीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा कि इन लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और प्यार दोनों के बीच में भरपूर बना रहे, कभी एक दूसरे का प्यार कम ना हो, ज़्यादा हो लेकिन कम ना हो। और देखिए तो सारी ये नया थोड़ा लगा हम लोगों को बच्चा का कि बच्चा ने बैठ के रिंग पहनाई, तो बहुत ही हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बच्चा मतलब बैठ के पहनाएंगे, क्योंकि पहले से कुछ नहीं था, लेकिन बच्चा ने अचानक पहनाया, बैठ के पहनाया, तो बहुत ही सरप्राइज हो गए थे, बहुत ही अच्छा लगा। और ये भाविया की छोटी बहन है तो बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी राशि भी, और सब ने ढेर सारी बधाइयाँ भी दी हैं। तो राशि ने बहुत ही अच्छा डांस किया, और डांस होने के बाद अब बारी आती है केक कटिंग की। तो चलिए हम सब मिलकर केक कटिंग करते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। और यहाँ पे बच्चा ने सबसे पहले मम्मी को केक खिलाया, और बच्चा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, तो मम्मी की मतलब केयर भी बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो भाविया ने भी मम्मी को केक खिलाया, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था सारे फंक्शन। और ये छोटी मौसी का बड़ा लड़का है, तो इसने भी भाविया को बुके दिया, और भाविया की तरफ से भी बच्चा को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, उनकी मौसी बुआ जो भी रिलेटिव थे सबने दिया था। तो हम लोग को निकलना था नेक्स्ट डे, तो इसलिए हम लोग अनबॉक्सिंग में गिफ्ट के अनबॉक्सिंग में लग गए हैं। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ कि क्या क्या बच्चा को मिला है। खोलो खोलो वहाँ भी है, अरे फाड़ो। देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पे अनबॉक्सिंग की जा रही है, और ये तीन बच्चे मिलके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे तीन बच्चे कहाँ से हो गए, यहाँ तो दो ही बच्चे दिख रहे हैं। तो इसमें बच्चा भी हैं जिनका नाम ही बच्चा है, तो वो हमेशा बच्चा ही रहेंगे। तो तीन बच्चे, इसीलिए मैंने बोला कि तीन बच्चे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो देख सकते हो। और बहुत ही मतलब जैसे बेसब्री के साथ गिफ्ट खोले जा रहे हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है कि बस कितनी जल्दी खोल के सारा गिफ्ट देख लें। और मामा के साथ लगे हुए हैं, मामा की हेल्प भी कर रहे हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग में। और मैं बता दूँ तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट था भाविया ने ये बच्चा को दिया था, इसमें 7 कलर्स की टी शर्ट्स हैं, और बहुत ही प्यारी टी शर्ट्स हैं, और कलर भी सारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही यूनिक कलर थे। तो देख सकते हैं बच्चा ने खोल के भी दिखा दिया टी शर्ट, तो बहुत ही प्यारी टी शर्ट लग रही है। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे सारा गिफ्ट, बस ये हो रहा था कि एक एक करके फटाफट खोलो, एक भी गिफ्ट छूटना नहीं। गर्ल्स भी यार लिखा है यार, पहली बात तो ये कितना सुंदर है, ये चीज यहां की बनी पेंटिंग है, हाथ की बनी पेंटिंग है, और ये कितना सुंदर बनाया गया है पूरा, ऐसा जो मतलब ये स्वास्तिक बना है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, भगवान जी होंगे, अच्छा बोल रहे हैं। तो अनय ने बिल्कुल सही गेस किया है,
और क्योंकि गिफ्ट खुला तो हम लोगों ने देखा कि मतलब राम दरबार था, बहुत ही अच्छा। ये भाजा के पापा ने गिफ्ट दिया था, बहुत ही प्यारा गिफ्ट था और सब देख के बहुत खुश हो गए। सबसे ज़्यादा तो मम्मी बहुत खुश हो गई थी इसको देख के, बहुत ही प्यारा गिफ्ट था अंकल का। तो ये मेरी साड़ी, मैंने सोचा मैं भी अपनी साड़ी खोल के देख लेती हूँ क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट डे ही निकलना था, तो ये हुआ रात में ही अनबॉक्सिंग कर ली जाए, सारे गिफ्ट देख लिए जाए, नहीं फिर सुबह हम लोग चले जाते हम और गोलू मुंबई के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने रात में ही अनबॉक्सिंग की। हम लोग को 2:30 बजे था सारा अनबॉक्सिंग करते हुए सारे गिफ्ट देखते। तो ये देखिए, ये खुशबू को साड़ी मिली है और कलर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी हम तो सोचे तुमसे कहीं चेंज कर लो। नहीं, ये कलर नहीं थी। ये मम्मी ले ली, नानी की साड़ी है, नानी वो पहन रही है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है ये, और ये मम्मी की साड़ी है, मम्मी के हिसाब से बहुत ही सुंदर है, कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गिफ्ट जो भी दिया है सब बहुत अच्छी है। ये वाला मैं नहीं, की होल्डर है इसमें, ऐसे दीवार में लगवा दो तो अरे लकड़ी का है ना ही टूटे। अरे वाह, ये कौन है, ये इसमें क्या था, ये हाथ से तो नहीं बनाया दीदी, इतनी अच्छी हाथ से पेंटिंग है, लेकिन वो बना लेती है पता नहीं। अरे हाँ, तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर भाव्या और बच्चा की फोटो है, और ये लकड़ी का फ्रेम है, इस पे बनाया गया है, तो देख सकते हैं लिखा हुआ है जो, वो भी बहुत ही प्यारा लिखा गया है, और फोटो तो देखते ही बन रहा है कि देख सकते हैं फ्रेम में। बच्चा तुम दिखाओ, बच्चा ऐसे पकड़ो जरा सा, दूर से साफ दिखेगा। तो देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, फोटो भी बहुत ही, और दोनों का पेयर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेयर कैसा लगा आप लोगों को। और ये की होल्डर भी मिला हुआ है, मोबाइल स्टैंड है और की होल्डर है प्लस, तो बहुत ही अच्छा है। और ये कपड़ा दिया था किसी ने, तो सारा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों के अंदर, और सब ने फटाफट, तो देख सकते हैं कैसे मतलब फाड़ा है, वो समझ में भी नहीं आ रहा है। और सबको ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। किस किसने किस कौन दिया था ये वाला, अरे वो साली दी है, राशि दी थी, बनाई है, तो राशि ने बनाया है, तो राशि का बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है भाई आपका, तो कैसे फोटो थैंक्स स्पेशली राशि।